आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। स्वागत है आपका अमेज नाउ के इस खास कार्यक्रम में। गोरखपुर जनपद के रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की जब गंभीर पिटाई हुई और एक फिर उसके कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई तो परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस पर। परिजनों ने पुलिस को ही जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के लहसड़ी गांव का रहने वाला मृतक गौतम अक्सर रात बिरात अपने किसी परिचित से मिलने गायघाट क्षेत्र में जाया करता था और जब आज काफ़ी देर तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली तो गौतम के पिता, भाई और भाभी रामगढ़ताल थाने पर पहुँच गए। गौतम के परिजनों के अनुसार करीब 8 बजे दो होमगार्ड उसे टेम्पो से लेकर उतरे, तभी वह गिर पड़ा। परिजनों ने उसकी हालत खराब बताई तो पुलिस उसे आनन फानन में सुबह 10:30 बजे जिला अस्पताल की इमरजेंसी ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब असलियत जानने के लिए जब हमारी टीम ने तफ्तीश किया तो मामला सामने आया कि प्रेमिका के घर रात गुजारने वाला गौतम उसे युवती के पिता ने तकरीबन 5 बजे सुबह में देख लिया और बाहर से कुंडी लगाकर हल्ला कर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया और पुलिस को बुलाया। जब तक 112 नंबर पुलिस पहुंचती, कुछ बाहरी लोगों ने युवक पर हाथ साफ कर दिया। पिटाई से लहूलुहान गौतम को PRV पुलिस पहले जिला अस्पताल ले गई और फिर प्राथमिक उपचार के बाद रामगढ़ताल थाने पर लाकर उसे हैंडओवर कर दिया, लेकिन युवक की हालत निरंतर बिगड़ रही थी। इस बात को पुलिसकर्मी नहीं समझ सके थे। जब तक थाने की पुलिस ने मामले को समझा और फिर से उसे जिला अस्पताल के लिए रवाना किया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शायद घटनास्थल से जिला अस्पताल के बीच की जानकारी परिजनों को नहीं हुई थी, इसीलिए मृतक की भाभी ने अपना सारा गुस्सा स्थानीय पुलिस पर उतारा। हाथ में पट्टी वगैरह उनके लगी हुई थी, तो उसके बाद से बोल रहे थाने वाले कि इसको गर्म चाय वगैरह पिला दिला, तो हम तुरंत गए, चाय बगल में दुकान है वहाँ चाय भी लेकर आए हैं, तो पिए नहीं है, गिर गए हैं तुरंत, मेरे देवर गिर गए, पिए नहीं है, कह रहे हम बचेंगे नहीं, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। उसके बाद फिर वो बेहोश हो गए, फिर होश आया तो बोले मुझे लाइटिंग लगा है, तो वहीं थाने पे मेरे हस्बैंड लेकर अंदर गए हैं, लाइटिंग वगैरह कराए हैं, किए कि नहीं किए वो मुझे मालूम नहीं है, मैं बाहर खड़ी। उसके बाद से बोल रहे हैं कि थाने वाले इसको नहला दो, गंदे थे एकदम, कचड़े थे, ठीक हुए थे, तो उनको नहला थाने पे नहलाया गया है, नहला वाला के तब तक उनके मुँह से पूरी गांज बस निकल गई है, तो एकदम कंडीशन ख़राब हो गई। उस वजह से ला कर बोला सर यहीं पे सुला दो, यहीं पे वो गिर जा रहे थे बार बार, बैठ नहीं पा रहे थे, तो बोला इसको बैठा बैठा मुका अभी तो नहला कर लाए, कचरा फिर लग जाएगा उसको, तो फिर अंदर तो दूर रूम बना हुआ है उसमें हम ले जाकर लेटा दिए हैं, लेटाए हैं तो उसकी क्या कि मुँह से गाज बस घूम के निकल रहा था, तो आपस में पुलिस वाले पूरे बात कर लिए हैं, बात करने के बाद कह रहे हैं इसको क्यों यहाँ रखा गया, तुरंत यहाँ भेजो, आपस में बात कर लिए हैं ये खत्म हो गया, तुरंत यहाँ से इसको हटा ले तो हम लोग फंस गए, तुरंत उसके बाद यहाँ लेकर आए। मतलब आपका कहना है कि थाने में ही मौत हुई है? जी, थाने में ही मौत हुई है। हालांकि SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पूरे मामले को खुलासा करते हुए बताया कि जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, उपचार के दौरान उसकी मौत हुई और जिन लोगों ने युवक की पिटाई की थी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो ये था असली वजह। थाना रामगढ़ ताल में UP 112 पर सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक चोर एक घर में घुस गया है। इसमें PRV मौके पर गई और वहां से युवक को पकड़ा PRV ने। जो जांच की गई वहां मौके पे, उसमें पता चला कि जो युवक है वो उस घर में युवती से मिलने आया था, जिस पर कि परिजनों ने और आसपास के लोगों ने उसके साथ मारपीट की। जो युवक है और लड़की के पिता दोनों को पुलिस थाने ले आई, वहां से युवक को चोट लगी थी इसलिए अस्पताल भिजवाया गया। इसमें युवक की अस्पताल में मृत्यु हुई है, जिसमें कि परिजनों की दी गई तहरीर पर मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है और जो युवती के पिता हैं उसको पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है। आगे जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवा मुकदमा दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।